हाय एवरीवन, दिस इज भावना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल पत्रकला। आज की मेरी वीडियो में आपको यिन यांग सिंबल के बारे में बताने वाली हूँ कि हम उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यिन यांग सिंबल की उत्पत्ति दाओज़म से हुई है। दाओज़म एक चाइनीज धर्म है। ये सिंबल हमें लाइफ की ड्यूअलिटी के बारे में बताता है। चिन्ह के काले भाग को हम यिन और सफ़ेद भाग को यांग कहते हैं। यिन यांग हमें दो ऑपोजिट एनर्जीज के बारे में बताता है, जैसे कि पुरुष स्त्री, दिन रात, सूरज चांद, काला सफ़ेद, अच्छा बुरा। यहाँ मैं इस चिन्ह के कंस्ट्रक्शन के दो तरीके बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले पार्ट में मैंने एक सर्कल बना के उसमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ की हुई है। इसको अब मैं तीन पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। पहले ये जो दो मार्क मैंने लगाए हैं, देन अब मैं शीट टर्न करके सेम इसी तरीके से नीचे भी दो मार्क लगा रही हूँ। मार्क लगाने के लिए आप कंपास में कोई भी साइज रख सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट रख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मेजरमेंट है वो आपके सर्कल को क्रॉस करे। जो तीसरी मार्क मैं लगा रही हूँ वो आपका सर्कल क्रॉस नहीं करना चाहिए, आपके सर्कल से बाहर जाएगा। जिस तरीके से मैंने पहला क्रॉस लगाया, अब मैं यहाँ दूसरा क्रॉस लगा रही हूँ। अब हमारे पास 6 क्रॉस पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब हम सिमिलर कलर डॉट्स के साथ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ। अपर लोअर एंड सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद सेंटर लाइन के थ्रू हमने अपने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा लोअर लाइन और अपर लाइन एक सेंटर पॉइंट बनाता है। अब हम इन दोनों ही पार्ट में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ। आइए अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि दूसरे तरीके में हम लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। यहाँ मैंने 5 इंच की एक लाइन ड्रॉ की है। आप चाहें तो लाइन किसी भी मेजरमेंट की रख सकते हैं। इसके बाद कंपास को अपनी लाइन की आधी लंबाई से ज़्यादा रखकर इस तरीके के मार्क लगाएं दो, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। आपके सामने दो आर्क मार्क आ चुके हैं। इन दोनों के पॉइंट्स, जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, उनको इस तरीके से लाइन से मिलाएं। तो आपका ये जो क्रॉस बन रहा है, ये एक 90 डिग्री के चार एंगल यानी 360 डिग्री बना रहा है, जिसे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसके बाद आप ऊपर की लाइन पर जिस तरीके से मैंने मार्क किए हैं, उसी तरीके से दो आर्क और मार्क करेंगे। इन दोनों को भी आप स्केल की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। हमारा ये मार्क एक सेंटर पॉइंट बना रहा है, एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बनाने के लिए। जिस तरीके से हमने पुरानी कंस्ट्रक्शन में एक सेमी सर्कल बनाया था, इसी तरीके से हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। हमें नीचे वाले सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इतना मार्क करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हम इसी मेजरमेंट को मार्क करते हुए सेंटर पॉइंट मार्क करके उसको सेमी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन दोनों सेमी सर्कल्स के अंदर हमें छोटे मिनी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। छोटे सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद हमारा जो मेन चिन्ह है, हम उसकी कंस्ट्रक्शन की फिनिशिंग की तरफ चलेंगे, जो मैंने पहले पार्ट में आपको नहीं दिखाई है। इसमें हम लोग मेन सर्कल को आउटलाइन करेंगे, जो बाहर वाला है। देन हमारा सेमी सर्कल की जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। एंड देन हम लोग मिनी सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लाइन्स हैं, हम उनको इग्नोर कर देंगे। मार्कर से ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी कलर मीडियम से इसको कलर कर सकते हैं।
जिस तरीके से यहाँ मैं कर रही हूँ। अब आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन लाइंस को रिमूव करें, आपका एक परफेक्ट यिन यांग सिंबल कंप्लीट हो चुका है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सीरियसली एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।